तो दोस्तों ठीक हो ना आप सब। इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स GT20 Pro का आज फ्री बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। ये इंडिया में 21 मई को लॉन्च होने वाला है। इसमें आप लोगों को क्या कुछ स्पेक्स वगैरह, प्राइस वगैरह क्या रहने वाला है और कब लॉन्च होने वाला है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 21 मई को लॉन्च होने वाला है। तो सारा कुछ मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने वाला हूँ और इसका आप लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं ये भी बता दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। इसमें आप लोगों को 6.78 इंच का एमोलेड FHD प्लस 144 हर्ट्ज़ का आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और एक खास बात है कि इसमें आप लोगों को 1300 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 का आप लोगों को इसमें चिपसेट देखने को मिल जाएगा। ये काफ़ी दमदार चिपसेट है, मतलब आप इस स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए समझ सकते हो, मतलब गेमिंग के लिए ही इन्फिनिक्स इस स्मार्टफोन को निकाल रहा है और इंडिया में 21 मई को लॉन्च करने वाला है। इसमें आप लोगों को LPDDR5X का रैम वेरियंट देखने को मिल जाएगा, UFS 3.1 का स्टोरेज वेरियंट, और इसमें आप लोग को पीछे के साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएंगे। 108MP के आप लोग को OIS वाला कैमरा देखने को मिल जाएगा और वो दो फालतू के उतने काम नहीं आने वाले हैं। 32MP के आप लोगों के इसमें पंच होल में सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। 5000mAh का बैटरी होने वाला है और 45W का चार्जर। इसमें आप लोगों को डुअल JBL का स्पीकर देखने को मिल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स भी आप लोगों को एंड्रॉइड 14 पे देखने को मिल जाएगा। 2 से 3 साल तक आप लोगों को सिक्योरिटी अपडेट भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे और इसमें आप लोगों को IP54 देखने को मिल जाएगा, मतलब डस्ट वगैरह या फिर पानी वगैरह में गलती से गिर गया तो जल्दी मोबाइल कुछ नहीं होगा। डिजाइन थोड़ा इसका अलग है, पीछे के साइड में आप लोगों को लाइट वगैरह देखने को मिल जाते हैं, मतलब थोड़ा सा अलग डिजाइन दिया गया है इस स्मार्टफोन में। तो अब बात कर लेते हैं प्राइस की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज शेयर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो देखो इसका प्राइस ना आप लोगों को 20 से 25 हज़ार के बीच में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इन्फिनिक्स कंपनी फेमस है तो सस्ते में आप लोगों को ये स्मार्टफोन भी देखने को मिल जाएगा। मतलब किसी और कंपनी के अगर ये सारे फीचर्स होते और यही स्मार्टफोन होता तो वो महंगे में बेचते, लेकिन इन्फिनिक्स कंपनी सस्ते में आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। तो ये स्मार्टफोन का प्राइस 20 से 25 हज़ार के बीच में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ पता चलते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।